القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد परवरदिगार कला के एहसान है कि उसने हमारे दिलों में मवद्दत आले मोहम्मद का नूर रख दिया। ये बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत को हल्का न जानिए। दुनिया की और कायनात की बहुत बड़ी नेमत है कि जिसको नूर विलायत कहते हैं, जिसको मोहब्बत आले मोहम्मद कहते हैं। तो परवरदिगार इस नूर के सदके में, इस माह अज़ा में, इस माह मुहर्रम में, दुनिया के जिस जिस कोने में भी आज़ादारी सैयद शुहदा इंतहाई इज़्ज़त अकीदत खलूस और खंदा पेशानी के साथ मनाई जा रही है, परवरदिगार से दुआ है कि तमाम आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तमाम मातमी हजरात, तमाम नौहा खान, परवरदिगार उनको अपनी हिफाजत में रखे। और ये जिक्र सैयद शुहदा जो मजलूम का जिक्र है, जो उस मजलूम का जिक्र है कि जिसके दम से दीन है, बेशक कि जिसके दम से ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसके दम से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, परवरदिगार इस माह अज़ा में तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए और रखे। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े। अल्लाह की किताब कुरान की जो जिंदों की किताब है, जिंदों की किताब है, लेकिन अफसोस कि मुसलमानों ने उस किताब को कि जो जिंदों के लिए थी, जो जिंदों की रहनुमाई के लिए थी, जो उनकी हिदायत के लिए थी, मुसलमानों ने उस किताब के साथ क्या किया कि उसे मुर्दों के हवाले कर बजाय इसके कि उस किताब की तिलावत इसलिए की जाती कि उस किताब से हिदायत ली जाए, उस किताब से रहनुमाई ली जाए, उस किताब से पूछा जाए कि मैंने रहना है, रहने का असलूब क्या है, मैंने जिंदगी गुजारनी है तो कैसे गुजारूं, मैंने लोगों के साथ मुआमलात करने हैं तो कैसे करूं, उस किताब से कोड ऑफ कंडक्ट अगर पूछा जाता जिसके लिए वो किताब आई थी, जिसके लिए वो हिदायत बनकर आई थी, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने कहा कि ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत बन के आई है, लेकिन मुसलमानों ने उस किताब के साथ क्या किया कि उसे मुर्दों के हवाले कर। वो किताब क्यों पढ़ी जाती है? अगर कोई न मर रहा हो तो कहते हैं कि फलां सूरा पढ़ो, इसके मरने में आसानी हो जाए, या फलां सूरा पढ़ो, फलां मुर्दे को इसका सवाब, यकीनन सवाब मिलता है, यकीनन इन सूरतों की बरकतें हैं, इनका सवाब है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सवाब है कि अगर उस किताब से रहनुमाई ली जाए। जो उस किताब के नाजल होने का मकसद था, जो उस किताब कि नाजर होने का हदफ था, और मैंने जो जो मौजू है हमारी इस गुफ्तगू का वो यही है कि कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत का ताल्लुक क्या है, कुरान और अहले बैत का आपस में रिश्ता क्या है, और कुरान और अहले बैत से हमने क्या लेना है, कुरान से और हमने क्या लेना है अहले बैत से, ये हमारी गुफ्तगू का महवर रहेगा कि इस किताब के नूर को हमने कैसे अपनी जिंदगियों में ढालना है, अहले बैत के नूर को हमने किस तरह अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करना है, उनकी मोहब्बत से, उनकी मवद्दत से, उस विलायत से हमने अपनी जिंदगियों में कैसे तब्दीली लेके आनी है, जो कि इन अय्याम का मकसद भी है। अब हज़रत तवज्जो फरमाइए, तो जो आयत मैंने सरनामे कलाम रखी, अल्लाह ने फरमाया और उस किताब में फरमाया कि जिस किताब की पहले ही सदाकत की अल्लाह ने गवाही दे दी, फरमाया ये वो किताब है ला रैब फीहा, कि जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं। इंसानी कलाम होता तो लोग सोचते कि पता नहीं इस कलाम की हकीकत क्या है,
कहने वाले की मकसदियत क्या है, कहने वाले की नीयत क्या है, लेकिन अल्लाह ने अपनी उस किताब के आगाज में ये शर्त लगा दी, उसके आगाज में ये कह दिया कि ये वो किताब है अलिफ लाम मीम, ये किताब किसके लिए है। फरमाया कि ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन, पहली बात तो ये है कि इसमें शक नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसी किताब में कि अब ये तो यकीन हो गया कि इसमें शक नहीं, इसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने उस किताब में अपने हबीब के लिए ये कहा, हमें मुखातब करके, कि वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहु, कि ये रसूल जो भेजा गया है तुम्हारे दरमियान, ये जो कुछ तुम्हें दे दे वो ले लो, ये रसूल जो कुछ तुम्हें दे दे वो ले लो। और वो रसूल भी कौन, कि रसूल की सदाकत पे भी गवाही दे दी, कि जिस तरह कुरान की हकानियत पे गवाही दी, इसी तरह उस रसूल के बारे में भी कह दिया कि कोई देखने वाला कोई सुनने वाला ये न समझे कि ये रसूल क्या कह रहा है, अपनी मर्जी से कह रहा है या खुदा के हुक्म से कह रहा है, रसूल के अल्फाज का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, मतालब क्या है। अल्लाह ने ये आयत भेज कर अपने रसूल की सदाकत की गवाही दे दी। फरमाया वमा वमा ये रसूल मेरा जो है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, कि ये रसूल उस वक्त तक नुत्क नहीं करता, कलाम नहीं करता, अगर कुछ कहता है तो हुक्म खुदावंदी से कहता है। पता क्या चला कि कुरान हिदायत की किताब, शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, रसूल हमारे दरमियान आए और उस रसूल का नुत्क जो है, रसूल का कलाम जो है, उस पे अल्लाह ने मोहर लगा दी, उसकी तस्दीक कर दी। तो अब रसूल ने जो कहना है वो वही है जो अल्लाह ने कहा। तो अल्लाह ने उस रसूल के बारे में अपने कुरान में कहा कि वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहु, कि ये रसूल जो कुछ तुम्हें दे दे वो ले लो। वमा नहाकुम अनहु फंतहु, और जिससे मना करे जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अब इसमें इंसानी आकल को लड़ाने की जरूरत और गुंजाइश नहीं, जो कुछ और जो कुछ रसूल दे दे वो ले लो, और जिससे रसूल मना करे उससे रुक जाओ। तो अब आइए देखते ये हैं कि उस रसूल ने क्या क्या दिया, उस रसूल ने किस किस से रोका, उस रसूल ने जो कुछ दिया आइए वो ले लें, जिस से मना किया आए उससे रुक जाएं। चूंकि हमारी जिंदगानी का मकसद अल्लाह की इताअत, अतीउल्लाह वातीउर रसूल, रसूल की इताअत और उलिल अमर की इताअत, यही जिंदगी का मकसद मफहूम है ना, कि अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए और उलिल अमर की इताअत की जाए। अगर जिंदगी में जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी का हदफ नहीं है, तो उस जिंदगी का कोई फायदा और उसके मुआनी नहीं है। वो इंसान उसी तरह से जिंदगी गुजार रहा है, अगर मकसद और हदफ नहीं है, कल अनाम बल हम अदल, कि उस इंसान की जिंदगी चौपायों की तरह है, गोया उनसे भी बदतर है। तो हमें तायुन करना पड़ेगा अपनी जिंदगियों का, हमें देखना पड़ेगा हमारी जिंदगियों का हदफ क्या है, हमें क्यों भेजा गया है, हमारे रसूल ने क्या दिया हमें और किससे रोका हमें, जो दिया वो ले लें और जिससे रोका उससे रुक जाए। आइए रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपने हमें क्या दिया, तो फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, का मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्राम कदर चीजें छोड़ के जा रहा, दो इंतहाई वजनी चीजें, इंतहाई भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा। और वो दो चीजें क्या हैं, उन दो चीजों की हैसियत क्या है हमारी जिंदगियों में। उनमें से एक चीज है अल्लाह की किताब और दूसरी क्या चीज है,
इतना क्या है। और आगे ये भी बता दिया कि इन दो के साथ रहोगे तो क्या होगा और इनसे अगर दूर जाओगे तो क्या होगा। चूंकि रसूल हकीम है, अल्लाह का नबी हकीम। आप दुनियावी किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको नुस्खा देता है और साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी बताता है कि ये नुस्खा है, ये दवाई लेने के फायदे ये हैं, लेकिन इसके साथ परहेज ये है, उन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो इसके नुकसानात भी होंगे। फरमाया कि ये दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह वैतरती या लुबैती वाइन तमसक तुम बेहिमा लन तुलिल्लू बादी याबदा। इन दोनों के साथ अगर मुतमस्सिक रहोगे, जुड़ के रहोगे, इन दोनों के साथ रहोगे, इन दोनों की दामन को पकड़ कर रहोगे तो मेरे बाद ताकिया में कियामत गुमराह ना होगे। नारे हैदरी, ताकिया में कियामत गुमराह ना होगे। ये दो भारी चीजें, और दोनों कौन सी चीजें? सुभान अल्लाह, कि दोनों से हिदायत मिलती है। एक है कुरान सामत और एक है कुरान नज़र। एक कुरान किताब की शक्ल में आया, सुभान अल्लाह, एक कुरान तहरीर की शक्ल में आया, एक कुरान लिखा हुआ आया, और दूसरा कुरान उसी कुरान की तफसीर बन के आया, उसकी तशरीह बन के आया, उसी कुरान को समझाने के लिए आया। हैं दो ही, हैं दोनों कुरान, बेशक हैं दोनों कुरान। और अल्लाह ने जब वो कुरान भेजा, चूंकि ये असूल है कि किताब, आप अगर पढ़ें, आपने देखा होगा कि इन स्कूलों में जहां पे किताब पढ़ाई जाती है वहां पे किताब पढ़ाने वाला भी ये रखा जाता है। बेशक मुअल्लिम की जरूरत होती है किसी भी मदरसे में, किसी भी स्कूल में। अगर फकत किताब होती और आपके हाथ में दे दी जाती कि ये किताब है, ये पढ़ें और अपनी अपनी डिग्रियां ले लें, तो शायद आप उस किताब की तहरीर को तो पढ़ लेते, लेकिन अगर समझाने वाला समझाता नहीं कि कहने वाले ने कहा क्या है, तो आप वो तहरीर तो पढ़ लेते, शायद आप इम्तिहान भी दे लेते, लेकिन जब तक आप उसके मानी को, उसके मतालिब को समझेंगे नहीं जो कि समझाने वाले ने समझाना है, तो अगर आप उनके मतालिब को, तो कुरान भी यही है कि कुरान आया लेकिन कुरान के साथ कुरान को समझाने वाला भी आया। कुरान को समझाने वाला भी आया, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ये कुरान काफी है, हमें सिखाने वाले की जरूरत नहीं, समझाने वाले की जरूरत, बस बना किताब अल्लाह, हमें किताब काफी। जब पैगंबर ने कहा था कि लेके आओ कागज कलम दवात, मैं लिखवा दूं तुम्हें और उसके बाद तुम गुमराह न हो, मैं तुम्हें वो चीज लिख के दे के जाऊं, और कहने वालों ने कहा कि नहीं हमें किताब काफी है, तो जिन जिन लोगों ने कहा था कि हमें किताब काफी है, अभी कुछ ही अर्सा गुजरा था कि उन्होंने खुद ये कहा, अमीरुल मोमिनीन के दर पे गए, वही कुरान लेकर, कहा या अली इस कुरान में एक आयत है जो मिल नहीं रही कि वो कहां पे है। मौला ने कहा तुम तो कहते थे किताब काफी है, तुम तो कहते थे कि किताब काफी है। हाँ किताब काफी है, लेकिन किताब काफी है अहलुल बैत के लिए। यकीनन काफी है, लेकिन किताब अहले बैत के लिए काफी है, क्योंकि अहले बैत में और गैर अहले बैत में फर्क है, और ये फर्क हमें करना पड़ेगा। आप सबको एक जगह पे इकट्ठा मरातब है, दरजात है, आप सबको एक ही तराजू में तोल नहीं सकते। अल्लाह ने हर एक की हैसियत को अलग से रखा है। कुछ वो है कि जो आयत के मोहताज हैं, कुछ वो हैं कि जो इंतजार में होते हैं, आयत आए तो अमल करें, आयत आए तो नमाज पढ़ें, आयत आए तो रोजा रखें, आयत आए तो हज और ज़कात का तायिन करें। कुछ वो हैं कि आयत कहती हैं ये ज़कात दे तो हम नाज़िल हों, ये रोटियां दे तो हम नाज़िल हों। कुछ वो हैं कि
آیات کہتی ہیں یہ بستر پہ سوئیں تو ہم نازل ہوں, آپ کو فرق کرنا پڑے گا, آپ کو فرق کرنا پڑے گا. آپ ہر ایک کو ہر ایک جگہ پہ رکھ نہیں سکتے. اسی لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی. یہ حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے, علی مع الحق, کہ علی حق کے ساتھ ہیں. اب دوسرا جملہ بظاہر اس کا مطلب وہی بنتا ہے جو پہلے جملے کا ہے, علی مع الحق, کہ علی حق کے ساتھ ہیں. پھر فرمایا کہ والحق مع علی, اور حق علی کے ساتھ ہے. تو سوچنے والا یہ کہہ تو سکتا ہے کہ اگر ایک ہی جملہ ہوتا تو بات تو وہی تھی, علی حق کے ساتھ ہو یا حق علی کے ساتھ ہو, فرق تو کوئی نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن نہیں, فرق ہے. پیغمبر نے جب حدیث فرمائی تو اس کی علت ہے, اس کی وجہ ہے, اور اس کے اندر مفاہیم ہیں اور اس کے مطالب ہیں. فرمایا علی حق کے ساتھ ہے کہ حق آگے ہے, علی پیچھے ہے, علی حق کے ساتھ ہے. پھر فرمایا نہیں, حق علی کے ساتھ ہے, علی آگے ہے, حق پیچھے ہے. فقط اتنا نہیں کہا, یہ دعا بھی کی کہ اللہ مادر الحق کا کما دار علی, اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ پا جا جدھر جدھر علی جائے. بابا سے بلند صلوات, اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیرتا جا جدھر جدھر علی جائے. تو اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں کہوں کہ پیغمبر نے کہا یا اللہ حق کو اتنا ادب سکھا دے, حق کو اتنا مؤدب کر دے کہ وہ علی کی اطاعت کرے. وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب, اور آج اگر دنیا اس علی سے دور ہے تو آج اس سکار بڑوں کے اس عظیم الشان امام بارگاہ میں, باب الحوائج میں, اس مومنین کے عظیم مجمع میں یہ کہہ دوں کہ کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے, کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, کسی کے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں. اور اگر ساری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, جسے علی چھوڑ دے اللہ کی قسم اس کا رہتا کچھ نہیں. رہتا کچھ نہیں. تو جس نے قرآن اور اہل و بیت سے اپنے دامن کو بچایا, اس نے نہ تو ہدایت پائی, نہ اسے صراط مستقیم ملی. چونکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم قرآن ہے اور اہل و بیت ہیں. کسی صحابی نے پوچھا, جب مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم تشریف فرماتے اور اصحاب کا مجمع تھا, تو کوئی حضرت کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ کچھ ہی دیر بیٹھے, پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ سمجھائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور نے پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. انہوں نے 9 دفعہ پوچھا, پیغمبر نے 9 دفعہ کہا کہ بیٹھ جاؤ. کچھ ہی دیر میں مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. پیغمبر نے کہا کہ اب پوچھو. وہ حضرت کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, امیر المومنین علی کی طرف اپنے رخ کو کیا, عباس کے عباس سے اپنے ہاتھوں کو نکالا, فرمایا انھا صراط مستقیم, یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم. مستقیم رائے ہدایت وہ قرآن اور اہل بیت, یہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا گیا, کسی دونوں میں سے کسی ایک کی بھی تعلیمات کو اگر
छोड़ दिया गया बात है, तो ना तो हिदायत मिलेगी, ना ही सिरात मुस्तकीम मिलेगी, और ना ही निजात मिलेगी। हर शख्स निजात की कोशिश में है ना जी, हर शख्स चाहता है कि उसे निजात मिले, उसे हिदायत मिले। और हिदायत और निजात, कल मैंने हदीस पढ़ी थी कि पैगंबर ने फरमाया कि निजात का सफीना तो हुसैन है जी, हिदायत का चराग तो हुसैन है। तो अगर अहलुल बैत के घर से अपने दामन को बचाओगे, अगर अहले बैत के दर को छोड़ के जाओगे, तो कुरान तुम्हें समझ ना आएगा, कुरान से तुम्हें हिदायत ना मिलेगी, अहले बैत से तुम पहले दूर होगे। तो पैगंबर का वो फरमान कि गुमराही से बचाने वाली हैं ये दो चीजें, तो दोनों को छोड़ दिया तो गुमराही से बचाने वाला तीसरा कोई नहीं। बावाज़े बुलंद सलावा अल्लाह और फिर देखना पड़ेगा, आपको ये भी गौर करना पड़ेगा कि कुछ घर की बातें होती हैं, कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, वो घर की बातें घर के लोगों को पता होती हैं जी। हमारी आप घर की बात अपने दोस्तों से जाके शेयर नहीं करेंगे, आप हर बात बाहर जाके बताएंगे नहीं। तो घर की जो बात है वो घर के लोग उससे ज्यादा वाकिफ हैं, तो वो कुरान जो सीने पैगंबर पे नाजिल हुआ, वो कुरान जो सीने अथर पे नाजिल हुआ, उस कुरान से कौन वाकिफ है, जो घर में है या वो जो बाहर है। वो अहले खाना वो अहलुल बैत वो उस कुरान से वाकिफ हैं। क्या बात है। और पैगंबर का वो रुतबा ये, पैगंबर का मकाम ये कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, अंबिया को जाना पड़ा किताबों को लेने के लिए। तो जी। जितनी भी किताबें, हजरत मूसा को बुलाया कोहे तूर पे किताब देने के लिए, जबूर देने के लिए हजरत दाऊद को बुलाया, लेकिन जब अपने हबीब का और अपने हबीब की अहले बैत का जिक्र आया तो वहां पे ये कानून उलट दिया। पैगंबर उन नबियों को आना पड़ता था कुरान लेने के लिए, लेकिन ऐ नबी तेरी सूरत कुछ मुख्तलिफ है, ऐ हबीब तेरा मकाम कुछ मुख्तलिफ है, तू गार में होगा आयत गार में आएगी, तू चादर के नीचे होगा आयत चादर के नीचे आएगी, ऐ हबीब तू अशीर में होगा आयत अशीर में आएगी, ऐ हबीब तू गदीर में होगा आयत गदीर में आएगी। कानून बदल गया बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जो ज़वाते खमसा हैं, ज़वाते मुकद्दसा हैं, इनका मकाम ही अलग है बेशक, इनका मकाम ही अलग है। और इनमें से ये पांच, इनकी तो अपनी हैसियत है, लेकिन इन पांचों में से अगर किसी एक एक को तनहा ले लें, अगर एक एक का मवाजना तनहाई में करें, तो हर एक का इतना मकाम है। और मुझे ये कहने में कोई इश्तबा नहीं है, मुझे ये कहने में कोई शक को शुबा नहीं है कि अगर तमाम अंबिया, तमाम नबी, तमाम मुरसल और तमाम पैगंबर खत्मी मर्तबत को, खत्मुल मुरसलीन को, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा को, तमाम अंबिया को, 123,999 अंबिया हमारे नबी को छोड़कर तमाम को, अगर आप तराजू आदल के उनके फजाइल को, उनके मनाकब को, उनकी खुसूसियात को, तमाम नबियों को हमारे नबी को छोड़कर तराजू के एक पलड़े में रखेंगे, फकत एक अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल को, मनाकब को तराजू के दूसरे पलड़े में रखेंगे, तो मुझे ये कहने दीजिए कि उसमें जिसमें तमाम अंबिया के फजाइल होंगे वो उठता हुआ नजर आएगा, जिसमें अली के फजाइल होंगे वो झुकता हुआ। हम सब के सब मोहम्मद माशाल्लाह। तो वो हिदायत
तो वो हिदायत अगर लेनी है तो कुरान से लेनी पड़ेगी और कुरान समझाने वालों से लेनी पड़ेगी और वो कुरान समझाने वाले वो अहले बैत उनका मकाम क्या है उनकी फजीलत को समझना पड़ेगा पहले। बेशक दुनिया के साथ एक मसला ये भी है बाज़ुकात बहुत सारी चीजें अवेयरनेस ना होने की वजह से रह जाती हैं। बेशक तो वजह आप अगर तारीख में देखें तो बहुत से ऐसे आपको मकामात मिलेंगे कि एक हजरत सुफीन में जब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमाते तो एक शख्स आया और उसने कहा कि या अली आपकी जंग हो रही है मैं आपका साथ तो देता लेकिन इस शक में हूं कि हक किस तरफ है। तो जो है चूंकि इस्तेमार का मीडिया जालिम का मीडिया कुफर का मीडिया इतना ताकतवर था कि लोग इस घराने से दूर थे इनके फजाइल को छुपाया गया इनके मनाकब को छुपाया गया। बनू उमय्या और बनू अब्बास के दौर में इतनी पाबंदियां थी इतनी कदगने थी कि अहले बैत का जिक्र तो दरकिनार अहले बैत का नाम अगर आप जुबान पे लेके आते तो कत्ल कर दिया जाता था। तवज्जो है तो बहुत सारी दुनिया बहुत सारे लोग इस वजह से दूर हैं कि उन्हें हक का पता नहीं चला वो इस दरवाजे से दूर हैं और बहुत सी ताकतों ने ये कोशिश की। आज भी आप देख लें तो जो हालात इस दुनिया में है अहले बैत के चाहने वालों का किस बेदर्दी के साथ उनका कत्लेआम किया जाता है। आपका कसूर क्या है उनका कसूर क्या अली उन वलीउल्लाह पढ़ते हैं चूंकि ये अली उन वलीउल्लाह बर्दाश्त नहीं होता जालिम से अली उन वलीउल्लाह चूंकि झगड़ा ही अली उन वलीउल्लाह का है तो जो है और वो ये नहीं सही वो ये नहीं समझते कि अल्लाह की तौहीद अल्लाह के नबी की रिसालत बची ही उस वजह से है कि अली उन वलीउल्लाह बाकी है। तो वो अली जो रसूल के भाई भी हैं जो रसूल के वसी भी हैं। अब हजरत ने पैगंबर अकरम ने कई मवाकात पर मवाकात कायम की भाईचारा कायम किया और लोगों को जगह जगह पे बताया कि मेरे बाप मेरा भाई अली है मेरे बाप मेरा खलीफा अली है मेरा वसी अली है। तो जब मस्जिद नबवी की तामीर के बाद पैगंबर अकरम ने मवाकात कायम की भाईचारा कायम किया एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाया जब लोगों की नियतें मिलती थी जिनकी ज़हनियतें मिलती थी जिनके इरादे मिलते थे जिनके प्रोग्राम्स मिलते थे पैगंबर जानते थे अल्लाह का नबी उनसे वाकिफ था एक दूसरे का उनको भाई बनाया खलीफे अव्वल का हाथ पकड़ा खलीफे दोअम के हाथ में दिया कहा ये तेरा भाई है तू इसका भाई है खलीफे तीसरे का हाथ पकड़ा अब्दुल रहमान इब्ने औफ के हाथ में दिया कहा ये तेरा भाई है तू इसका भाई है सलमान का हाथ पकड़ा अबू जर के हाथ में दिया ये तेरा भाई है तू इसका भाई है। तो किताबों में लिखने वालों ने ये लिखा कि मस्जिद नबवी के एक कोने में अली इब्ने अबी तालिब बैठे रो रहे थे पैगंबर तशरीफ लेके गए माज युबकी कया अली इब्ने अबी तालिब ऐ अली इब्ने अबी तालिब रोने का सबब क्या है फरमाया या रसूल अल्लाह आपने हर एक को एक दूसरे का भाई बनाया आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया या रसूल अल्लाह रो नहीं तो क्या करूं। पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को उठाया परेशानी का बोझा लिया सीने से लगाया कहा या अली अगर इनमें से कोई तुझ जैसा होता उसे तेरा भाई बनाता या अली तेरा मकाम ये है कि अंत आखिर वसी अली मजीद मिलवादी ये मकाम है इनका ये अजमतें हैं इनकी सुभानअल्लाह ये कुरान और अहले बैत का रिश्ता है जो हिदायत की जमानत है और जो कुरान और हिदायत के लिए कुरान और अहले बैत के साथ मुतमस्सिक रहेंगे वो यकीनन राय हिदायत पे हैं वो यकीनन सिराते मुस्तकीम पे हैं। दुनिया आज भी और ये खुली दावत है दुनिया आज भी अगर हुर बनना चाहती है तो इस दर हुसैन पे आ जाए। ये वो दर है
ये वो घराना है कि जो हर किसी को माफ कर देते हैं। सिद्क होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए, नेक नियति होना चाहिए। आज भी दुनिया दरे हुसैन पे आ जाए तो हिदायत है, निजात है। और जो कुरान से दूर है, जो अहले बैत से दूर है, ना तो उनकी हिदायत मुमकिन है। चूंकि ये दुआएं आप करते हैं ना कि अल्लाह अगर अहले बैत के दुश्मन काबिल हिदायत नहीं है तो उनको वासले जहन्नम कर। तो हिदायत जब दिल में बुग़्ज़े अली होगा, जब दिल में अदावत अली होगी, तो हिदायत मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अली की मोहब्बत नूर है, अली की मोहब्बत नूर है, और नूर निजस ज़र्फ़ में आ ही नहीं सकता। उसके लिए ज़र्फ़ का पाक होना जरूरी है। क्योंकि कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इस कुरान को छू नहीं सकते जब तक कि तुम पाक और ताहिर ना हो जाओ। तो जहां पे कुरान के लिए ये कहा, वहां पे अहले बैत के लिए कहा इन्नमा युरीदुल्लाह वलियुज़हिब अन्कुम अर-रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। बिस्मिल्लाह, आज आज इसी पे इत्तफाक करूंगा। वीकेंड है, वीकेंड है। तो आप अगर वक्त से तशरीफ ले आया करें और अगर वक्त से प्रोग्राम शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह गुजारिश जारी रहेंगी। चूंकि ये जिक्र है उन हस्तियों का, ये जिक्र है उन अहले बैत का कि उनके फजाइल या तो कुरान बयान करे या मासूम की जुबान बयान करे। ना तो मुझ में इतनी हिम्मत है, ना किसी और कहने वालों में। हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, किताबें खत्म हो जाएं, पढ़ने वाले खत्म हो जाएं, लेकिन अहले बैत के फजाइल की इब्तदा भी ना होगी। इब्तदा भी नहीं होगी। वो तो उनका वो मकाम है, उनकी वो अजमतें हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उसी कुरान के साथ भी जुल्म हुआ और उसी अहले बैत के साथ भी जुल्म। कुरान के साथ ये जुल्म हुआ कि पैगंबर ये फरमा के गए थे कि इस कुरान के साथ ये जुल्म करोगे कि इसकी तालीमात को छोड़ दोगे और इस कुरान से हिदायत न लोगे। और अहले बैत के साथ क्या जुल्म हुआ कि जो करबला बपा हो गए, इससे बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता। अहले बैत के साथ ये जुल्म हुआ कि करबला बपा हो गए। तारीख की वो हकीकत है करबला कि आप जब सोचे करबला के बारे में तो इंसान हैरान हो सकता है और हो जाता है कि उस अहले बैत की कामयाबियां, उनकी शुजाअतें, उनका सब्र किस कमाल पे था जो इंसानी आकल उसका अंदाजा ही नहीं कर सकती। वो अपने सब्र में, वो अपनी शुजात में उस कमाल पे थे, उस दर्जे पे थे। और करबला, मैंने लफ्ज करबला लिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो करबला, ये वो जमीन कि जब अमीर अल मोमिनीन कूफा से सिफीन जा रहे थे, जब जमीन करबला से गुजरे, हजरत रुक गए वहां पे एक जगह पे बैठ के अली इब्ने अबी तालिब और रोना शुरू कर दिया। शेख सद्दूक लिखते हैं, इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि अमीर उल मोमिनीन इतना रोए कि हजरत की रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई। इब्ने अब्बास कहते हैं मौला रोने का सबब क्या है, क्यों रोते हैं आप, क्यों गिरिया करते हैं। कहा इब्ने अब्बास तुम नहीं जानते कि हम किस जमीन से गुजर रहे हैं। इब्ने अब्बास इस जमीन को करबला कहते हैं। इस जमीन पे मेरा ला मेरा हुसैन 3 दिन का भूखर प्यास से शहीद होगा। इस जमीन पे मेरी ज़ैनब किधर से चादर उतरेगी। खुदा आपको जजाए खैर दे जो हुसैन पे गिरिया करते हैं। खुदा आपको दुनिया के किसी का मैं न रुलाए जो इस मजलूम पे रोते हैं कि जिसकी बहनों को किसी ने रोने न दिया था। जो उस मजलूम पे गिरिया करते हैं कि जिसकी बहन कब्र में रोई थी। जो उस मजलूम पे गिरिया करते हैं कि जिसकी बेटियों पे क्या जुल्म हुए। खुदा आपको इनका अजर दे और जजाए खैर दे।
आज दो मुहर्रम है ना, आज दो मुहर्रम है ना, आज असर, आज असर के बाद और मगरब से पहले अहले बैत का मुकाबला जमीन करबला पे पहुंच चुका है ना, आज मगरब से पहले वो इस करबला पे आ चुके है ना, और वो करबला की जब हजरत पहुंचे हैं वहां पे, तो हजरत की सवारी और वो सवारी की जो हजरत की इतनी मुती थी, इतनी इताअत गुजार थी, वो सवारी आगे न चल रही है, उस घोड़े ने हरकत न कर रही है, तो हजरत ने कहा है, हजरत अब्बास से कहा, अब्बास क्या वजह है कि मेरा घोड़ा यहाँ से आगे नहीं जाता, मेरी सवारी को तब्दील करो। हजरत अब्बास ने दूसरी सवारी का इस्तेमाल किया, हजरत उससे बैठे, वो घोड़ा भी आगे न चल रहा है, हजरत तीसरी घोड़ी पे बैठे, तो किताबों वालों ने लिखा, उलमा ने लिखा कि सात सवारियां तब्दील की हजरत ने, लेकिन कोई सवारी है कि आगे नहीं जाती, तो हजरत ने कहा कुछ वजह है, ये कौन सी जमीन है, यहाँ कोई बस्ती है तो इससे पूछो। हजरत गए उस बस्ती वालों को बुला के लेके आए, उस बस्ती वालों को जिनके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी, कबीले बनू असद के कुछ लोगों को बुलाया, बुला के लेके आए, कहा बोलो ये कौन सी जमीन है, इसका नाम क्या है। किसी ने कहा मौला, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत रखते थे, वो जानते थे, कहा मौला इसको नहनवा कहते हैं, मौला जमीन को नहनवा कहते हैं, कहा इसका कोई और नाम भी है, कहा हाँ मौला इसको गाजरिया भी कहते हैं, कहा नहीं इसका कोई और नाम भी होगा। किसी ने कहा हाँ मौला एक है, इसको शत्तुल बुराद भी कहते हैं, कहा नहीं नहीं तुम में से बुजुर्ग कौन है, कहा वो तो हमारी बस्ती में, वो इतने बुजुर्ग हैं कि चल नहीं सकते, कहा नहीं उनको लेके आओ। जब वो बुजुर्ग आए, कहा तुम बुजुर्ग हो बताओ, इस जमीन का कोई और नाम भी है, उन्होंने कहा हाँ हमारे बुजुर्गों ने बताया था, इसको गर्भवला भी कहते, इस जमीन का नाम गर्भवला भी है। तो मौला ने कहा हाँ पास ये वही जगह है जहाँ पे हमने शहीद होना है। हजरत अपनी सवारियों से उतरे, कहा पास यहाँ पे खैमों को लगा दो, खैमों को लगा दो, तो खैमे लग गए। जनाब सैयद ज़ैनब अपने खैमे में गई कि कुछ ही देर के बाद हजरत अब्बास से कहा पास मेरे भैया हुसैन को बुलाओ। इमाम गए, कहा भैया ये कौन सी जगह है, मैं किसी बीबी के गिरिए की आवाज, किसी बीबी के रोने की आवाज सुनती हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देखती हूँ कोई बीबी मुसलसल गिरिया कर रही है, कहाँ पे है, ये वही जगह है, वो हमारी माँ सैयदा है। हजरत ने उस जमीन को खरीद लिया। उन्होंने कहा मौला आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रहिए जितना रहना चाहते हैं, कौन है आप, तो हमने इस पे हमेशा के लिए रहना है, अब तो हमेशा के लिए रहना है। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा मौला आप यहाँ हमेशा न रहे, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो भी जमीन से गुजरा है, अंबिया गुजरे हैं, औसिया गुजरे हैं, सबके जिस्म से खून निकला है, मौला ये जमीन कोई अच्छी जमीन नहीं है, आप यहाँ पे न रुके। हजरत ने कहा नहीं, यही वो जगह है कि जिसका हमसे वादा किया गया है। और मैंने एक रिवायत में ये भी पढ़ा कि हजरत ने उस जमीन के 60,000 दीनार अदा किए, और बीबी ने कहा कि हुसैन आधी रकम तुम दो, आधी रकम मैं दूंगी, और वो जमीन ना हुसैन के नाम लगी ना ज़ैनब के नाम लगी, दोनों ने अकबर के नाम वक्फ कर दी, इसीलिए जागीर अकबर कहते हैं, इसीलिए उसे अकबर की जागीर कहते हैं। फिर वापस उन्हें हिबा कर दी। मौला ने कहा ये तुम जमीन वापस ले लो, हमारी दो शर्तें हैं, आज़ादाराने इमाम हुसैन मेरी दुआएं, आप हुसैन के अलावा किसी गम में न रोए, आप बहुत दूर दूर से आए हैं, आपने बहुत सब्र बर्दाश्त किए हैं, आप इस मौला की अज़ा में आए हैं, आपने मौला का ख्याल किया है, लेकिन सुनोगे मौला ने आपका कितना ख्याल किया है, कहा मेरी दो शर्तें हैं, बनी असद वालों जब हम कत्ल हो जाए, हम शहीद हो जाए, हमारे मानने वाले, हमारे चाहने वाले हमारी कब्रों को ढूंढते हैं,
रखना, इस प्यासे के तवस्सत से उन्हें पानी भी पिलाना, उनकी खिदमत भी करना। और कहा मेरी दूसरी शर्त ये है करबला उनके मर्दों से कहा, बनी असद के मर्दों से कहा कि जब हम कत्ल हो जाए, हम शहीद हो जाए, हमारी लाशें यहाँ पर पड़ी होंगी, तुम खेती बाड़ी के बहाने आ जाना और इन गरीबों की लाशों को दफन कर देना। फिर हजरत ने उनकी औरतों से कहा, शायद उस गरीब की गुर्बत देखेंगे, कहा शायद तुम्हारे मर्द नहा सके, तुम्हारे मर्द मसरूबियत की वजह से शायद नहा सके। तुम बीबियां, चूंकि औरत कब्र नहीं खोद सकती, तुम बीबियां गड्ढे खोद देना, हमारे लाशों को दफना देना। फिर उनके बच्चों को बुलाया, मेरी आधार जान कुर्बान, ऐ मौला आपकी गुर्बत का ही आलम था। उनके बच्चों को बुलाया, कहा शायद तुम्हारे वालिदैन ना आ सके, शायद ये ना कर सके, तुमने काम करना, खेलने के बहाने आ जाना, मिट्टियों को अपने हाथों में उठाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, गरीब दफन हो जाएंगे। परवरदिगार तुझसे दुआ है कि मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद उस गरीब के सिख, उस गरीब के दुखों हमारी इस गलीत सी इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। परवरदिगार जो आंख गमे हुसैन में रोती है कभी बेनूर ना हो, मेरे अल्लाह जो हाथ गमे हुसैन में सीनों पे उठते हैं कभी किसी के मोहताज ना हो, मेरे अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत पाए, मेरे अल्लाह हमारी जिंदगियों में गमे हुसैन रखते, मेरे अल्लाह हमारी ये जिंदगियां गुजरे तो अली अली करके और हमें मौत आए तो हुसैन। साहेब